पानीपत में परीक्षा केंद्र में हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए एक गुट ने 12वीं कक्षा के छात्र को खूब पीटा। आरोपी उसका अपहरण करके ले गए और एक पोल्ट्री फार्म हाउस पर ले जाकर उसकी लाठी डंडों से पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे देसी पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी। किसी तरह छात्र उनके चंगुल से छुटा और तुरंत घर पहुंचा। परिजन उसे सिविल अस्पताल ले गए, जहां वह 3 दिन से उपचाराधीन है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 नामजद समेत 10 अन्य पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 10 मार्च को आदित्य की फिजिक्स की परीक्षा थी। वह अपने चचेरे भाई शुभम के साथ अपनी बाइक पर सवार होकर परीक्षा के बाद घर जा रहा था। इस दौरान अंकित, विष्णु, राहुल व अन्य 8-10 लड़के 4-5 बाइक पर सवार होकर आए और उनकी बाइक के आगे अड़ाकर रोक लिया। उन्होंने कहा कि वे 4 मार्च को हुई कहासुनी का मजा चखाएंगे। इतना कहते ही उन्होंने दोनों भाइयों से मारपीट करनी शुरू कर दी। जैसे मैं अपना सीटिंग प्लान देख रहा था तो बच्चे ने आकर मेरे साथ पीछे से धक्का मारा, तो मैं उससे बोला कि धक्का क्यों मार रहा है, और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा, तो वो मुझसे बोला कि मैं आपको बाहर देखूंगा। तो 10 तारीख का फिर मेरा फिजिक्स का पेपर था। मैं फिजिक्स का पेपर जैसे दे दा के बाहर आया तो मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ, तो 15-20 बच्चों ने आके मेरी बाइक के पाछे बाइक लगा ली और मुझे राम से पकड़ के ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर ले जाकर बिंजल कोई मुर्गी फार्म है वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की। एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर बंदूक रख के यदि कर बता तो जान से मार दूंगा, तो मैं वहाँ चलाने लगा। चलाने के बाद कोई अनजान व्यक्ति आए, उनको देख के वे भाग गए, तो मैं फिर अनजान व्यक्ति के साथ अपने घर पे आया। घर पे आकर मैंने अपने परिजनों को ये बात बताई कि लड़के को जानता हूँ सर, अंकित नाम है, सोंदापुर का। चोट तो जी कमर में लग गया, टांग में है जी, पीछे हाथ पे है, सिर में है जी, दांतों पे है। किस चीज़ से मारा है? डंडों से मारा सर, और चाकू भी ले रहे थे सर, पिस्तौल भी ले रहे थे सर। अंकित को कैसे जानते हो पहले से? अंकित को मैं जानता नहीं सर, वो भी पेपर देने आ रहा था, मैं भी पेपर देने गया था और ये लड़का गवर्नमेंट क्या नाम प्राइवेट स्कूल कालखा में पढ़ता है, जबकि इसका 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम चले हुए थे, तो वो सेंटर यहाँ जाटल गवर्नमेंट स्कूल में आया हुआ था। तो 4 तारीख को जैसे ये अपना सीटिंग वगैरह देख रहा था कहाँ पे क्या रो नंबर है, कहाँ बैठना है, तो वहाँ पे धक्का मुक्की कर दी एक लड़के ने, और वो मल्ले बोला भाई लड़का भाई अभी तू धक्का मुक्की क्यों कर रहा है, अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, अपना लाइन में लग जा। तो वो बोला भाई ऐसे कैसे बोलता है, तो इनकी अपने आप कोई कहा सुनी होगी, तो कहा सुनी होने के बाद वो बोला मैं तेरे को बाहर निकल देखता हूँ। तो उस दिन तो कोई बात नहीं थी, नए बच्चे ने यह बात सीरियसली न घर पर बताई, लेकिन 10 तारीख को उस बच्चे ने साजिश के तहत इस लड़के की वीडियो या फोटो वगैरह बाहर भेज दी किसी शरारती तत्वों के पास, और उन्होंने इसको जैसे ही ये लड़का पेपर अपना पूरा करने के बाद 3:30 बजे जैसे पेपर छूटता है तो बाहर निकला, तो वो शरारती तत्व 15-20 लड़के थे 8-10 बाइक पे, और उन्होंने इसके पीछे बाइक लगा दी, और बाइक लगाने के बाद इस लड़के को रस्ते में रोक लिया और वहाँ पर इसके साथ मारपीट करी, और इसको उठा के यहाँ इधर बिंजल के पास कोई बंद पड़ा हुआ है पोल्ट्री फार्म वहाँ पे ले गए, और उस यहाँ वहाँ पे जाके इसके साथ मार पिटाई करी बहुत ज़्यादा, और इसके पिस्तौल वगैरह अड़ा दी और बोले तेरे को जान से मारेंगे अगर यह बात तेने घर पे बोल दी तो, ठीक है। और मारने की वो कोशिश कर ही रहे थे तो कुछ वहाँ जैसे बच्चा चिल्ला रहा था अभी मेरे को बचाओ बचाओ, तो कुछ वहाँ पे आदमी वगैरह का कोई शोर शराबा इसको सुनाई दिया, तो उनको भी सुनाई दिया, तो इसको इस बात का थोड़ा हौसला हुआ मैले, लेकिन वो बंदे इस बात को सोच के कि कोई भाई बंदा अंदर आ गया तो भाई हम पकड़े जाएंगे, तो उसको छोड़ के भाग गए। तो बंदा बेचारा इसी स्थिति में था कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, जैसे कैसे बेचारा वहाँ पे आया बाहर और किसी अनजान व्यक्ति के साथ ये बाइक पे बैठ के गांव में पहुँचा और सारी स्थिति इसको हमारे घर पे जाकर बतलाई हमारे। तो अभी कल 12 तारीख को पुलिस ने बयान वगैरह लिए हैं इसके और FIR भी दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है। तो अरेस्ट होने में इतनी देर हो रही है, ये पता नहीं किस वजह से हो रही है, जब ऐसा संगीन अपराध हुआ है, बच्चे का अपहरण हुआ है कि मान ले भाई जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस अभी गंभीर नहीं है, तो पता नहीं किस वजह से पुलिस गंभीर नहीं है। हॉस्पिटल तो अभी बंदा उसी दिन से एडमिट था, हॉस्पिटल में उपचाराधीन था, आज इसको जैसे भी मान ले अपना थोड़ी छुट्टी मिली है, और अब हम इसको लेके अपना जो भी हमारी कार्रवाई होती है वो अपनी कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। तो हम सरकार से ही मान ले प्रशासन से ही मान ले अपील करते हैं कि भाई बच्चे की पूरी पूरी सहायता की। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।